इधर आइए। अरे अरे नहीं यार, अरे पहले ऐसे, अरे यार यार, अरे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आपने 2014 में वोट दिया था। प्रेम प्रकाश सिंह को विधानसभा में चुनाव बीजेपी को देने वाले में से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, बीजेपी को दिया था, काम किए थे। चिड़िया वगैरह मनाए 2017 के बाद योगी जी आए, चाहते तो अपने किसी नेता के भी नाम रख सकते थे। योगी जी चिड़ियाघर का नाम क्या है? अशफाकउल्लाह खान। और ये बोलने की आजादी कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, बिना आजादी के विरोध कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात पे रवि किशन जी हमारे लोकसभा सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे अगर विकास की बात आप ही पूछिएगा तो हमको हंसी आती है। जब भी कोई बात रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होती है तो हाथ उठा के सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, हर हर महादेव। मैं जर्नल बक्स से आता हूँ, मेरे पास एक बाथरूम है, उसके बावजूद भी पास हुआ मेरे गांव में एक लाइट्री। कौन दिया? मोदी जी दिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज। करते क्या है? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ठीक है। मुझे देश की में किस गवर्नमेंट बन रही है, इंसान को सबसे पहले अपना घर देखना होता है। मैं अपना घर देख रहा हूँ, मेरा गोरखपुर बहुत उन्नति कर रहा है। इफ नो बट इतनी गर्मी में आप मसाला खा रहे थे, पसीने से तर बतर, और सहमति आपकी जो एक मौखिक और मौन सहमति चल रही थी, देख के मजा आ रहा था मुझे। भैया जो बोल रहे थे उस सत्य बोल रहे थे ये वाले भाई, नहीं ये भी सत्य बोल रहे थे कि भैया जंगल में शेर से कितनी बेमनस्यता हो, कितना भी आपसी संबंध खराब हो, तो उसके लिए आप गधे को शेर, गधे को जंगल का राजा नहीं बना सकते। ललनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते। दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त गोरखपुर आ गई है, और गोरखपुर राजनीतिक तौर पर पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है। और उसकी एक वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जगह से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखनाथ पीठ यहीं पर है, उसी पीठ के वो महंत हैं। आसपास की अन्य सीटों पर इसी, कहा जाता है कि यही वो सीट है जहाँ से जो गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जो आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालती हैं। गोरखपुर में राजनीतिक माहौल क्या है, उस पर आज बात करेंगे। रवि किशन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। पिछले काफ़ी समय से अगर विधानसभा चुनाव से आप देखें 2022 के, तो ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव ही लड़ रही हैं लगातार, उनके हिस्से जीत आई नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत मज़ेदार हो गया है। तो पूर्वांचल की कुछ सीटों के बारे में ऐसी सुगबुगाहटें कही जाती हैं कि जैसे घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी 2019 में मानी जा रही थी। पर गोरखपुर के बारे में क्या ये बात कही जा सकती है कि नहीं? क्योंकि आम धारणा ये है कि यहाँ गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक सेफ सीट है। बीजेपी लंबे समय से यहाँ से जीतती रही है, योगी जी के बाद, योगी आदित्यनाथ के बाद। बीच में एक उपचुनाव हुआ जिसमें समीकरण ऐसे बने कि समाजवादी पार्टी की जीत हुई क्योंकि निषाद पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वापस यहाँ से जीत मिली। रवि किशन शुक्ला यहाँ से सांसद बने। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये कहना अति आवश्यक है कि पार्टीज़, कुछ राजनीतिक दलों से अफिलिएटेड लोग भी हैं, उनका परिचय आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे शुरुआत सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर विनय सिंह जयरफ हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं आप, शिक्षक हैं। मुझे ये बताइए, पहले मैं देख रहा हूँ कि इधर से आया रामगढ़ ताल होते हुए, और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि रामगढ़ ताल एक बहुत, मतलब एक गोरखपुर जैसे शहर में 10 साल पहले, 15 साल पहले ये देखना, सोचना थोड़ा सा दूर लगता था कि इतना सुंदरीकरण होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति इसी के इर्द गिर्द अधिक हो रही है और अन्य मुद्दे इसकी आड़ में ही छिप रहे हैं? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं दोपहर ही आया हूँ और इसी की चर्चा 3-4 बार सुन चुका हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, और योगी आदित्यनाथ के सरकार का जो मॉडल है वो केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। कोविड में जिस तरह से लोगों का बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और योगी जी की पूरी सेना ने जैसे लोगों की मदद किया, ये कोई भूल नहीं सकता है। गोरखपुर शहर में आप आम लोगों से पता कर सकते हैं 10 वर्ष पहले इस शहर की क्या दशा थी। आज ये गोरखपुर शहर जो है देश के महानगरों से लड़ाई कर रहा है अपने विकास के की दिशा में। एक बार जैसे जो लोग इस शहर से नहीं हैं उनके लिए एक बार बता दीजिए कि आपकी राय में क्या क्या काम पिछले 10 वर्ष में यहाँ हुए हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण हुआ। पहले मेडिकल कॉलेज ऐसा था यहाँ का कि जिसमें आम लोग जाने से घबराते थे। सिविल हॉस्पिटल जो है उसकी दशा और भी दयनीय थी। यहाँ बहुत ही ख्याति प्राप्त एम्स खुला, यहाँ फर्टिलाइज़र कारखाना खुला,
अभी आप बात कर रहे थे तारामंडल की, देखिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल स्थापित हुए, और आज स्थिति ये है कि ये जो गोरखपुर के सराउंडिंग एरिया है, ये भगवान बुद्ध और महावीर की क्रीड़ा स्थली बोली जाती है, तो पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि उनको लखनऊ से आकर के यहाँ विजिट करते थे, उसके बाद फिर उनको लखनऊ ही रहने की जगह थी, लेकिन चारों तरफ विकास हुआ, 24 घंटे बिजली गोरखपुर के लोगों को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो हम लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार बिजली की कटौती से जूझते थे, लेकिन आप आज आप किसी शहर के किसी आदमी से पूछिए कभी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बिजली जाती होगी, 24 घंटे बिजली हमको मिलती है। और यहाँ जो शहर की कानून व्यवस्था है, कोई भी आपराधिक तत्व, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाशी करने वाला व्यक्ति, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी एक आम नागरिक के को के किनारे भेजे। देखिए अपराध जो है वो मनुष्य के भीतर छिपी हुई जन्मजात प्रवृत्ति है। वो देखिए मच्छर उड़ रहा है उनके हाथ के ऊपर। मुझे मुख्यमंत्री जी का बयान याद आया, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, और अन्य लोगों से भी बात करूँगा फिर आपके पास आऊँगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कहा था माफिया और मच्छर दोनों को ख़त्म कर देंगे। यहाँ आया ऐसा लगता तो है कि माफियाओं पर अंकुश है, मच्छरों पर अंकुश नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़े चैनल में अगर आप काम करते हैं तो आप पढ़े लिखे आदमी होंगे। जो इंसेक्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे विशाल बड़ी संख्या के जीव हैं। 90% जो जीवों की अगर गिनती की जाएगी तो इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे। और मच्छर को ख़त्म कर देना, मक्खी को ख़त्म कर देना, देखिए प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को इसलिए बनाया है कि जो हमारा पारिस्थितिक का भी जीने का अधिकार है, पारिस्थितिकी जो हमारा बैलेंस मुख्यमंत्री जी का बयान था। खैर मैं देखिए बयान जो है, बयान का आशय समझिए, आप बयान के किसी शब्द को पकड़ करके अगर उसकी व्याख्या करने लगेंगे तो मुझे लगता है आप गोरखपुर की साफ सफाई देखिए, गोरखपुर के बाहर जितने भी रोड हैं लगभग 4 लेन हो गए, सबके किनारे कंक्रीट के पक्के नाले बने हुए हैं, पहले बजबजाती हुई नालियां थी। बात सही है, सड़क का जो रिंग रोड का काम हो रहा है, जल जमाव इस शहर में होता था, आप किसी भी सड़क को पकड़ के आए होंगे देखे होंगे उसके दोनों तरफ जो है कंक्रीट की चौड़ी नालियां। अच्छा, इसमें एक दो बातें हैं, मैं फिर लौटूंगा चूंकि ये बहस बड़ी हो जाएगी और गोरखपुर के स्थानीय मुद्दों से भी। इसमें नहीं, इसमें ये है कि अभी कितने कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ था कि जल भराव हुआ था और नगर निगम को हायर करके वहाँ से पानी उठा करके पंप करके नालों में छोड़ना पड़ा था, कैसा हुआ था कि नहीं मैं बताता हूं। हुआ था या नहीं ऐसा, कितने समय पहले की बात। सही बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। आप देखिए हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग होती है। जब आप नेशनल हाईवे को पकड़ के आएंगे तो नेशनल हाईवे के पूरब का इलाका जो है वो शहर से नीचे है, उसका डेवलपमेंट पिछले 20-25 वर्षों में हुआ है, और ये जो महानगर है ये सैकड़ों साल से आबाद शहर है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी आबादी के क्षेत्र हैं जहाँ के पानी का बहाव नहीं अच्छा है, नए नाले बन रहे हैं तो बरसात के समय में वहाँ जल जमाव होता है, लेकिन नगर निगम ऐसी किसी भी जगह की सूचना पता है तुरंत वहाँ पंप सेट लगता है और तुरंत वहाँ के जल जमाव को समाप्त। ठीक है, ठीक है, ये एक बार आपकी एक राय है। और मैं और भाई साहब देखिए लोहिया वाहिनी से भी हैं, चूँकि आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की तो मैं आप ही आपकी आप अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, क्या नाम है? शिवशंकर गौड़ नाम है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और छात्र नेता हूँ यहाँ का, गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी हूँ। अच्छा, पढ़ते भी हैं? LLB का विद्यार्थी हूँ और आपके पूरी टीम का गोरखपुर में हार्दिक स्वागत करते हैं, आप आए हैं जी। तो मुझे ये बताएं कि ये एक, अब चूंकि मैं उनसे बात कर रहा था तो उनके विरोध के जो तर्क हैं वो प्रस्तुत कर रहा था। ये बात तो सही है कि गोरखपुर में विकास तो बहुत हुआ है पिछले 10 साल में। ऐसा लगता है कि ये गोरखपुर जो 10 साल पुराना गोरखपुर था, अभी आप देखिए ऐसा लगता है कि चमक गया है। तो ये जो आसपास की ये जो दुकानें हैं, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल सी लड़ाई नहीं हो गई समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि गोरखपुर मठ की सीट कही जाती है पिछले कुछ समय से। अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो विधानसभा में चले गए हैं, पर इसके बावजूद गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ कभी भी बाहर नहीं दिखते हैं, इन्वॉल्व दिखते हैं अभी भी फैसलों में, और आम जनता में उसके प्रति बड़ा ही एक प्रसन्नता दिखती है। देखिए जो तबके सांसद अब के मुख्यमंत्री हैं वो नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं और बड़ा सम्मान उनका, 2500 बार से सांसद रहे, और तमाम जो बातें भैया ने कहा और आपके माध्यम से जो बातें आई कि गोरखपुर बहुत चमक रहा है। आपने एक छोटी सी बात कही मच्छर और माफिया की, जो बात कही बड़ा बयान था ये, माफिया इस प्रदेश को छोड़ के चला जाएगा, अब मच्छर नहीं दिखाई देंगे। गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, अगर एक मुख्यमंत्री होते हुए अगर अपने जिले के सड़कों को न बना पाए तो सबसे विफल मुख्यमंत्री होंगे। पहली बात,
जो अपराध पे अंकुश की बात इन्होंने कही, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, सातों के सातों दिन हत्या हुआ गोरखपुर में। अंकुर शुक्ला से अगर मैं शुरू करूंगा तो इनको बता पाऊंगा, इनके बगल का ये बहुत सक्रिय रहते हैं कि अंकुर शुक्ला की हत्या, पुष्पा की हत्या, तमाम हत्याएं सातों के सातों दिन हत्या हुआ, ये है प्रशासन की पकड़। तीसरी बात जो है, आपने देखा नौका विहार, आप उसको जूही चौपाटी कह सकते हैं। सर्वप्रथम जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उस रोड के चौड़ीकरण को लेकर 2.75 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था। आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात आई कि उसमें बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय होटल आ रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, आवे होटल, आवे अंतर्राष्ट्रीय होटल, आवे विदेश के होटल आए, लेकिन गोरखपुर के आम आवाम के लेकर, गोरखपुर के आम आवाम को लेकर कौन सा व्यवस्था आपने बनाया उस नौका विहार पे? आप एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े बड़े वहाँ पे शिप चलवाए, आप शिप भी चलवा रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो आम व्यापारी है, जो आम दुकानदार है, आप तो उसकी मकानें तोड़ रहे हैं। आपने अपनी दुकानें तोड़ी, उसके एवज में आपने करोड़ों का मुआवजा लिया, लेकिन जो व्यापारी 40 साल से 50 साल से जन्म जात से जो अपनी दुकानें बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, सुनिएगा मैं जगह ये बताइए, हाँ, चूंकि इसलिए अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसको इस संदर्भ में बताइएगा कि देश में जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकें कहाँ पर दुकानें टूट रही हैं। गोरखनाथ के पूरे रास्ते का दे लीजिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। आप हड़ाव फाटक हुमायूंपुर उत्तरी एक जगह है जिसका नाम मुख्यमंत्री जी हनुमंत नगर कर दिया, हुमायूंपुर चौराहे से लेकर हड़ाव फाटक तक दोनों लेन टूटना है और हुमायूंपुर चौराहे से लेकर गोरखनाथ थाने तक टूटना है, लेकिन क्या मुआवजा मिलेगा उसका कोई तय तमाम नहीं है, ये बातें समझिए। आप अपनी तोड़वाते हैं तो आप करोड़ों का मुआवजा लेते हैं, जो गरीब जनता का टूटता है तो आप कोई मुआवजा नहीं देते हैं। नहीं, तो मुआवजा तो कुछ दिया ही जा रहा होगा, मुआवजा नहीं है, कोई ऐसा कैसे हो सकता है? आप गलत बोल रहे हैं, बता दीजिए एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आता हूँ। मुआवजा नहीं दे रहे हैं पूरी तरीके से। और तीसरी बात, जो चौथी बात है कि बहुत सारा रोजगार को लेकर, या तो बहुत सारे हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का मेडिकल कॉलेज में सीट दे दिया इंसेफ्लाइटिस वाला, जिस पे लेकर हम लोग किए तो धरना प्रदर्शन, तो विवाद हुआ। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था क्या बदली? एम्स की जमीन जो अखिलेश यादव जी ने दिया, इन्होंने संकुचित जमीन दे दिया, पूरा एम्स नहीं हट पाया। गोरखपुर की स्थिति ऐसी, जल जमाव पर ये बच के निकल गए कि होता है तो पंपिंग से लग जाता। मैं कहता हूँ अगर आपके सांसद 2500 साल से, गोरखपुर की जनता, ये महान जनता, देवतुल जनता, भगवान तुल जनता आपको 2500 साल से सांसद बनाती रही है, तो आपने क्यों ऐसे नालियों का निर्माण कराया कि हमारे शहर के बीचों बीच पानी लग रहा हो? मैं 2500 ऐसा वार्ड बता दूंगा, पहले 70 था, 80 हो गया है, 2500 और 300 ऐसे वार्ड बता दूंगा, अगर एक बार मूसलाधार बारिश हो जाए, एक घंटे की बारिश हो जाए, तो दो दो हफ्ते पानी निकलता नहीं है। आज के इनके पार्षद अकल वो हमारे पार्षद थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, पिछले बरसात में उन्होंने धरना प्रदर्शन उस पानी में बैठ के दिया था। गोरखपुर की विकास की बात करते हैं, गोरखपुर में शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह गोंडा के आसपास में चुनाव लड़ते हैं, अभी उनके बेटे को भी मिला है, वो हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी से वो भी हैं, शायद आपको मालूम होगा बृजभूषण सिंह, वो भी तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई किया योगी जी ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? उसमें तो केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस है, दबाव बना, एफआईआर तो उसमें फाइल हो गई, चार्ज उसमें फाइल हो गए भाई साहब। वही तो मैंने, कितना दबाव बनाने के बाद, जिस तरीके से तत्कालिक प्रभाव लेके योगी जी अन्य पार्टियों के राजनेताओं के घर या उनके कार्यकर्ताओं पे बुलडोजर भेजते हैं, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं पे भेजते हैं अगर साबित होता है तो, या आरोप ही लगाने पे? तो वही मैं बात कर रहा हूँ, भाई साहब जो बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियां अभी कम नहीं हुई हैं। और रही बात आप विकास की जो बात कर रहे हैं, तो विकास की बात पे, चूंकि ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में हम सांसद चुनते हैं, देश विदेश की बातें होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ योगी जी की बात, यहाँ गोरखपुर के डेवलपमेंट की नहीं है, और डेवलपमेंट एक बैक आसमान से उतर के नहीं आता है। रही बात जो आप नौका विहार की बात कर रहे हैं, मायावती ने उस बहुत पहले, क्योंकि जमीन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट आज जो भी सरकार रहेंगी वो अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंट को करती है, हाँ योगी जी ने वाकई यहाँ पे गोरखपुर के हैं तो भाई करना ही पड़ेगा, उनका घर है तो बहुत तेजी से थोड़ा विकास किए, लेकिन ऐसा नहीं कि नौका विहार उन्हीं ने बनाया, समाजवादियों ने भी फंड दिया, उसके पहले बसपा ने भी जमीन को अलॉट किया, ये डेवलपमेंट रहा, ये डेवलपमेंट का स्टेज है, डेवलपमेंट का स्टेज है। डेवलपमेंट की बात पर रवि किशन जी हमारे लोकसभा सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे अगर विकास की बात आप ही पूछिएगा तो हमको हंसी आती है, जब भी कोई बात रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होती है तो हाथ उठा के सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, हर हर महादेव। बताइए विकास की बात है, उनसे शिक्षा पूछ लीजिए, हर हर महादेव। ये क्या बात है भाई, आप सांसद है, आप गोरखपुर के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? ना रोजगार पे बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे बात। क्या नाम है आपका? सर मैं अगर नाम बता दूंगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिशियन में, हमारी पॉलिटिक्स की जो रणनीति है, नाम और एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ सपोज दे, और मैं बीजेपी की बात विरोध में कर रहा हूँ,
चूंकि बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, योगी जी को मैं खुद मैं पर्सनली योगी जी के पास भी गया हूँ अपने लेटर लेके, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं काम करते हैं, मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। लेकिन अभी छवि जो बनी हुई है या बनाई जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो ये बनाई जाती है कि नामों से जोड़ दिया जाता है। मैं सिर्फ आपको संबोधन करने के लिए पूछ रहा था, और मैं नाम अभी डिक्लेयर हो जाएगा तो फौरन ये हो जाएगा कि ये योगी जी के विरोधी है। तो इसलिए राजनीति में नाम नहीं होना चाहिए। हम लोग जनरल आदमी, हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये सांसदी का चुनाव है, तो इसमें थोड़ा सा अब स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़ करके भी बात की जाए। मैं चाहता हूँ आप इसकी शुरुआत करें। आपके लिए जब आप सांसद का चुनाव करने जाएंगे अपने अगले प्रतिनिधि का, क्या मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके लिए, जो वो मुद्दे जो दिल्ली से सुनते और उठाई देते हैं, या यहाँ जो सड़क का मुद्दा है, मच्छर का मुद्दा है, चूंकि बात शुरू में वहाँ से शुरू हो गई, कैसे आप तय करते हैं कौन से मुद्दे हावी होते हैं जब आप सांसद को चुनने? बिल्कुल, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे दो तीन चीजें देखी जाती हैं। हाँ, संक्षेप में महत्वपूर्ण, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस सत्ता में थी 13-14 में पहला चुनाव जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी के जो क्लिप थे वो ये थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, रोजगार ले आएंगे और महंगाई कम कर देंगे। ये तमाम सारे उनकी स्पीचेज आपको भी मिल जाएंगे, उन्होंने बोला भी था। हम जिस पार्टी से रहे हों उस टाइम हम कांग्रेस की विरोध करते थे, ऐसा नहीं है। अभी फौरन यहाँ बीजेपी और अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे उसके पहले ही विचारधाराओं को डिक्लेयर कर दिया गया, चूंकि हम लोग ऐसी विचारधारा से हैं कि जो भी गलत होगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई बढ़ रही थी, हम लोग लिखने वालों में से थे, हम भी तालिब इल्म रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, हमने इस फेसबुक पे व्हाट्सअप पे उस जमाने जो हुआ करता था हम लोग लिखते थे, पेपरबाजी भी करते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस न महंगाई रोक पा रही थी, न भ्रष्टाचार रोक पा रही थी, न स्वास्थ्य पे काम कर पा रही थी। मोदी जी को हम लोगों ने सुना इन सब मुद्दों को लेकर, और लोकसभा का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा अब हमको लेकर आए, जब लेकर आए तो पूरा उन्होंने 19 तक काम किया, और काम में क्या नतीजा मिला कि जो डॉलर उन्होंने काम बराबरी की बात करी थी वो डॉलर बढ़ गया, रेट हमारा वैल्यू गिर गया, रुपया गिर गया मेरा। आज देख लीजिए उस जमाने में क्या था डॉलर रुपयों के बराबर और आज क्या है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था काला धन ले आएंगे, कहाँ लेकर आए, बिल्कुल नहीं ले आए। तो हम ये कह रहे हैं कि चलो फिर 19 में हमने उनको मौका दिया, फिर बने, फिर वही सिलसिला जारी, महंगाई रुकी नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चे परेशान हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर इस बार भी चुन लेंगे तो बेशक ये तानाशाह पार्टी हो जाएगी। इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है इन मुद्दों पे कि भाई महंगाई, अगर राहुल गांधी तानाशाह पार्टी कैसे हो जाएगी, मुझे थोड़ा ये समझाइए। दो दो बार उनको मौका दिया गया फिर भी बेरोजगारी नहीं खत्म। अगर आप सोच लिए 13 आप सरकार की नाकामियां गिनाइए, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्यों उसको तानाशाह क्यों कह रहे हैं। ये 2013 में हम लोग बैठते थे धरने पे, कोई डिस्टर्ब नहीं करने आता था, हम लोग भी विरोध किए हैं, काला झंडा दिखाया है। आज किसी की भी यहाँ पे जितने लोग हैं कह दे कि भाई मैं महंगाई से बहुत प्रताड़ित हूँ और यहाँ पे हम धरना डालने जा रहे हैं, पुलिस मार के लंबा कर देगी। आज बोलने का मैं बता रहा हूँ, आप स्वयं बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं ऑन कैमरा। अरे मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना, मैं बेधड़क बोल रहा हूँ, लेकिन हमको अभी भी डर है, अभी भी सुनिए, अभी भी मुझे डर है कि बाय चांस अगर वाकई ये हाईलाइटेड हो गया तो कहीं मेरे घर लोग ना पहुंच जाए, ये डर है। उन्हीं डर को, क्योंकि अंग्रेजों से आजादी हम बोलने के लिए लिए थे, अंग्रेज भी उस टाइम डेवलप कर रहे थे, ट्रेन बनाए थे, पटरियां बिछाई थी, लेकिन क्या चीज नहीं दिया था, बोलने की आजादी नहीं दी थी। आज हम बोल इसी रहे, इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो लोग नहीं बोलना चाहते वो भी बोलना सीख ले, क्योंकि 2013 में हमने बोला सरकार बदल दिया, 2014 में मौका दिया बीजेपी को, बेशक दिया इसलिए दिया कि तमाम सारे वादे जो थे पूरे करेंगे, नहीं किया 19 में फिर दिया। आपने 2014 में वोट दिया था। प्रेम प्रकाश सिंह को विधानसभा में चुनाव बीजेपी को देने वाले में से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आजम है, बीजेपी को दिया था, काम किए थे। तो ये पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की विचार भाई, अब ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी गलत काम करेगी तब भी वोट दे, कांग्रेस गलत काम करे तब भी वोट। लौटूंगा आपके पास एक बार। जी, इनकी तीनों बात, क्या नाम है आपका? नाम शिवम है जी। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? सुनिए, पहली बात, इन्होंने कहा कि 2007 में अरे नौका बिहार के लिए मायावती जी, श्री मायावती ने पैसा दिया। आप जाकर देख लीजिए, मायावती ने 2007 में उन्होंने कागज में तो लिख दिया चिड़ियाघर बनेगा। चिड़ियाघर कब बनाए भाइयों? चिड़ियाघर बनाए 2017 के बाद। योगी जी आए, चाहते तो अपने किसी नेता का भी नाम रख सकते थे योगी जी। चिड़ियाघर का नाम क्या है? अशफाक उल्ला खान। और ये बोलने की आजादी कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, बिना आजादी के विरोध कर रहे हैं। इनका दूसरा जवाब और इनका तीसरा जवाब, ये महंगाई की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गई तो लगभग पेट्रोल का दाम हम जान रहे हैं 34-36 रुपया होगा, मैं उसमें उतना बड़ा नहीं था। और जब आपको याद होगा, जब 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम 72-74 रुपया था। रुके भैया, रुके, आपका जवाब दे रहे हैं, रुके, आप नहीं, आपके बदलने से बदलेगा नहीं देश, रुके रहिए। ये कह रहे ना, आज 20 रुपये बस खाली बढ़ा, 10 सालों में 20 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, और उस 10 सालों में 40 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ।
इसका जवाब कौन देगा? और ये रही बात कहे नहीं नहीं और इनकी बात कहे जवाब की बात कह रहे हैं और ये इनकी बात जवाब कह रहे हैं। रुके इनकी बात जवाब की बात कह रहे हैं और सुनिए, चुनाव आया ना 10 रुपए कम हुआ था, यही बता दे रहे हैं। चुनाव आया 10 रुपए मनमोहन सिंह ने कम कर दिया। और सुनिए, चुनाव के समय मौजूदा सरकार भी करती है सिलेंडर सस्ता कर देती है। और ये कह रहे हैं सारी सरकारें करती हैं। और कह रहे हैं विकास की, हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री के बारे में बता दीजिए, इतना राहुल गांधी घूमे, उनके पिताजी इतना संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब घूमा, कभी कोई महिला सुरक्षा के बारे में कोई सोचा? आज इज्जत घर किसने दिया है? मैं भी उसका लाभार्थी हूँ। मैं जर्नल बक्स से आता हूँ, मेरे पास एक बाथरूम है, उसके बावजूद भी पास हुआ मेरे गांव में एक लैटरिन। कौन दिया? ये मोदी जी दिए हैं। महिलाएं बेचारी सुबह 4 बजे इंतजार करती थी कि खेत में जाएंगे ना तो कोई बड़े बाबू देख लेगा, कोई देख लेगा, उनकी इज्जतों का रक्षा किसने किया? मोदी जी जिंदाबाद। और नहीं रुके सुनिए बात, और इनकी बात नहीं नहीं और इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं क्या बोले, बृजभूषण सरन सिंह के ऊपर बोले ये बात, उनको पार्टी टिकट दे दी? पार्टी टिकट नहीं दी है? हाँ उनके बेटे को दी, ठीक है उनके बेटे को दी है, पार्टी उनको टिकट नहीं दी है उनके ऊपर क्या? अच्छा ये कह रहे हैं इतना दबाव था, अगर दबाव रहता तो ये मुद्दा खुलता ही नहीं। कांग्रेस के बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो दबे हुए हैं। और एक मुद्दा और मुझे याद आ रहा है, मैं आपको कुछ दिन पहले आपको मैं एक ट्वीट मेल भी किया था आपको, एक मुद्दा और आ रहा है, ये राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना करूंगा। पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कुलदीप है। नहीं पूरा नाम बताइए। क्यों पूरा नाम क्यों? आपके लिए आवश्यक क्यों है? आपके लिए आवश्यक क्यों है वो जाति जनगणना? मैं उसका जवाब दूंगा ना, मेरा वो एक मुद्दा है। मैं आपके किसी मैं किसी के ठेस पर आपके मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। आपके लिए आवश्यक क्यों है जानना? आप कुलदीप मिश्रा, कुलदीप नाम से संबोधित कीजिए। आप कुलदीप मिश्रा है, आपके माता जी का नाम मान लीजिए कुलदीप, अरे उनका शुक्ला रहा होगा, शादी के बाद वो क्या हुई? मिश्रा हुई ना। पहले राहुल गांधी जाके अपना बताएं कि सरनेम उनका क्या है, फिर जातीय जनगणना करेंगे। वो बहुत जातीय जनगणना करते हैं। और सुनिए, और ये देश, ये देश ये आपके लिए सरनेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं कहा कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है भैया, मैं तो जातीय जनगणना ही नहीं कराना चाहता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना हो। नेताजी रुकिए, आप बात करेंगे? नहीं अभी जातीय जनगणना बात, मैं किसी भी जाति का विरोधी या कुछ वो नहीं हूँ। मेरे कहने मतलब है कि जब देश में सब एक दूसरे के साथ चल रहा है तो क्या जरूरत है जाति की बात उठाने की? बात करते हैं, विरोध नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री गलत करेंगे, मुख्यमंत्री गलत करेंगे तो विरोध होना चाहिए। ये बिल्कुल नगर निगम को नगर निगम बना दिया, इन लोगों का कूड़ा रोड बने फेंका जा रहा है, एक एक घर से कूड़ा निकाला जा रहा है। और अब भारत की बात लीजिए, भारत की बात लीजिए, और ये मोदी जी का देन है, योगी जी का देन है, बोलने नहीं दे रहे हैं, योगी जी का देन है। अब कहीं इनके पीछे बम नहीं रखा जाता है, कहीं इनको डर नहीं लगता है, रात भर किसी ट्रेन में आवे और जाए, ये सुरक्षा है। ये जो माइक है, एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट, अरे इनकी गली तो मत गई, एक मिनट, ये जो माइक है ना, एक मिनट, ये जो माइक है ये बहुत अच्छा माइक है, इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए। अगर सामने वाला तेज बोलेगा तो तेज तो बोलेंगे, इनको भी नहीं बोलने दूंगा, इनको भी नहीं आराम से बोले, इनको भी नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर माइक भी फेल हो जाएगा। नहीं इनको भी नहीं बोलने दूंगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से बात करिए, आराम से, आराम से, एक मिनट पीछे, पहले आपसे बात करेंगे, आपसे बात नहीं, नाम है आदि जायसवाल। ये बताइए यार, इधर थोड़ा इधर आओ, आम जनता लग रहे हो, ये सब नेता वाले हैं, असली चीज बताओ। क्या सपा वाली बात करेंगे? जनता की बात सुनिए, जनता की बात क्या है बताइए, जनता के मुद्दे देखिए, मसाला थूक दिए, मसाला यार बताओ, पान की दुकान के सामने पान था कि मसाला था? नहीं मसाला, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पान योगी जी की सरकार है, हम लोगों को किसी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, सच्चाई मुझे अपने शहर जैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज। करते क्या हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं रेलवे में ट्रांस क्लर्क हूँ यहीं गोरखपुर स्टेशन पे। मुझे देश की में किस किस गवर्नमेंट बन रही है, इंसान को सबसे पहले अपना घर देखना होता है, मैं अपना घर देख रहा हूँ, मेरा गोरखपुर बहुत उन्नति कर रहा है, इफ नो बट गोरखपुर में बहुत उन्नति हो रही है, गोरखपुर में बहुत हो रही है। हाँ बहुत कुछ देखिए, गवर्नमेंट जब किसी की भी बनती है ना तो 19, 20, 21 सबकी गवर्नमेंट में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन योगी जी की सरकार में हमारा गोरखपुर बहुत डेवलप कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें
कोई दो राय नहीं। और किसकी गवर्नमेंट बन रही है ऊपर वाला जाने किसकी बनेगी पता नहीं, हो सकता है कि हमको वोट देने का मौका मिले ना मिले। अक्सर हम लोग वोट के दिन छुट्टी पा जाते हैं तो भाग जाते हैं बाहर कहीं। रहने वाले यही के हैं? साहबगंज का रहने वाला हूँ सर, साहबगंज का मैं रहने वाला हूँ, साहबगंज सब्जी मंडी का रहने वाला हूँ गोरखपुर के अंदर। जैसे एक चीज बताइए, आम तौर पे ये मान्यता है, लोग कहते हैं यार बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं डालता, ये बात सही है? कहते होंगे लोग, कहते होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक मुसलमान से की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ आम रोज ने। मैं विकास के नाम पर वोट करता हूँ, मैं विकास के नाम पर वोट कर रहा हूँ, गोरखपुर के अंदर विकास हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे आप जब वोट डालने, 21 साल का गोरखपुर का एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा है, वो जब वोट डालने आएगा तो वो कौन से मुद्दों से प्रभावित होता है और कौन से मुद्दों से नहीं होता? पहला पॉल्यूशन। अच्छा। क्योंकि गोरखपुर का हाल बहुत खराब है पॉल्यूशन के मामले में, अभी इंडिया में टॉप पे आया था। कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है ना, अभी आप मच्छर की बात की, उससे भी हो रहा है, डिजीज होगा, मच्छर है यहाँ पे बहुत, मच्छर है। अब चले रामगढ़ ताल पे खड़े हो जाइए, यही मच्छर लगता है, यही मच्छर लगता है, आधे घंटे बैठ जाइए यहाँ पे, बीमारी हो जाएगी आपको। ये नगर निगम फॉगिंग नहीं कराता क्या? कुछ कराता तो होगा, कभी होता है कभी नहीं होता। देश का कोई मुद्दा ऐसे कि प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हो? यही कि जो कहते फिर मुकर जाते हैं। और राहुल गांधी के मैं किसी पार्टी को नहीं, सर किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहा हूं। लोकतंत्र को कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ देश के जो दो चार बड़े नेता हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं वो मंचों पे जो रखते हैं। उनको अभी और मेहनत करना पड़ेगा, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको। और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो तो लड़ रहा है भाई, अभी लड़ ही रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, जो झारू छवि बना ली है उन्होंने नौजवानों के बीच। थोड़ा ये बताएं कि राष्ट्रीय मुद्दे कितने महत्वपूर्ण इस चुनाव में दिख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा आ रहा हूं, ऐसा लग रहा है स्थानीय और योगी आदित्यनाथ के आसपास ज्यादा बात हो रही है। जैसे लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है वो राज्य के तो मुद्दे नहीं होंगे, उसमें देश के ही मुद्दे होंगे और देश के मुद्दे होने भी चाहिए। आज जो इतनी 4 लेंथ एक्सप्रेसवे बन रही है ये देश का ही मुद्दा तो है। हाँ, आज हमारे देश में हमको लगता है 2014 से पब्लिक प्लेस में, मैं अरे फौजी कैंपों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आर्मी कैंपों में क्या होता है कि देखिए वो तो आर्मी वालों का अपना मैटर है, लेकिन पब्लिक प्लेस में मुझे नहीं लगता है कि 2014 से, आपको भी याद है क्या कोई कहीं बम ब्लास्ट या कुछ हुआ हुआ सा चीज आपको याद है? आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आज देखिए, आज वही कश्मीर है, वही कश्मीर के लोग हैं, आज कैसे वोट 50% से ऊपर पहुंच जा रहा है, आज कैसे पहुंच जा रहा है, ये देश के लिए गौरव की बात नहीं है क्या? क्या उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं था क्या? 2019 से पहले हमारे कश्मीरी भाइयों का वोट महत्वपूर्ण नहीं था? वो देश के अभिन्न अंग नहीं थे? मणिपुर भी देश का अभिन्न अंग है, प्रधानमंत्री एक बार भी गए नहीं, वो उनकी आलोचना, एक मैं बोल रहा हूँ भाई, वो उनकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, अगर उनको जाना चाहिए था, उनको बिल्कुल जाना चाहिए था, वो भी हमारा हिस्सा है। मणिपुर में जो हमारी बहन के साथ घटना हुई वो भी बहुत ही मतलब घृणित बिरादरी घटना थी, उसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल उसका भी विरोध होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए देश बड़ा है। अगर मैं तुलना यही करूँगा ना कि भाई, अगर कांग्रेस 20 अच्छे काम कर रही है और अगर भाजपा 30 अच्छे काम कर रही है और कांग्रेस में अपराध की रेशियो, आतंकवाद का रेशियो ज़्यादा है भाजपा से, तो मैं जाहिर सी बात है भाजपा ही को ही वोट दूंगा। मेरी बात को समझिए आप। और ये कह रहे हैं विकास, आज मेरे शहर में आपका पेशे से आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा बिजनेस है। किस तरह का? मेरा पाइप का बिजनेस है। हाँ, मेरा पाइप का बिजनेस है, मेरा बिजनेस होलसेल का काम है मेरा। और सुनिए, और मोदी जी की, और ये सुनिए कुलदीप जी, आप सुनिए, ये मोदी जी के ही मैं आपको दिखा दूंगा। आज मैं केवल 25 साल का लड़का हूँ और मुझे मुद्रा के तहत मुझे लोन मिला हुआ है, मेरा फैमिली मिला है। हाँ, मुझे फैमिली मेरा, आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड सरकारी नौकरियों से आती है, मेरे फैमिली में मैं पहला ऐसा मेंबर हूँ जो बिजनेस कर रहा है, मेरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता है। मेरा नाम आदित्य है और भैया के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इनके वहाँ जो है गवर्नमेंट जॉब वाले लोग रहे हैं, इससे पहले ये नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो जब गवर्नमेंट जॉब में इनके पिताजी रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, उस समय सरकार किसकी थी? मैं इनसे जरा ये पूछना चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट निजी मत बनाइए, गवर्नमेंट जॉब एक मिनट भैया, अपनी बात कहने दीजिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ भैया कि जब गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे उसके बाद स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबल इनकी फैमिली का रहे होंगे, उसके बाद इनके पास करने के लिए जो है भले से इनको कोई भी मुद्रा हो गया,
कोई भी लोन लेना हो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगती है। इतने युवा खड़े हैं यहाँ पे, एक आदमी बता दे कि उसको बैंक में जब तक वो चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल नहीं घिस जाते हैं, एक लोन नहीं मिलता है। मैं आपका बता रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का भी अभ्यर्थी हूँ, एडर जूनियर भर्ती का भी अभ्यर्थी हूँ। इको गार्डन पे कितने टाइम से बच्चे जाके लाठी खा रहे हैं, आपको भी मालूम होगा उसमें आरक्षण घोटाला कितना तगड़ा हुआ था। उसमें अभी भी 6800 बच्चे ऐसे हैं जो इको गार्डन में 600 दिन से बैठे हुए थे, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। यही ओम प्रकाश राजभर जब तक दूसरे पार्टी में थे तो उन्होंने उसके हक के लिए बात की थी, अब जब इनसे बच्चे गए थे कहने के लिए तो उन्होंने कहा उनको लाठी खानी ही चाहिए थी। लंदन टॉप की शायद आप ही के एक भाई गए हुए थे, उनसे पूछे इस पे 69,000 शिक्षक भर्ती पे, उन्होंने कहा कि छात्रों को लाठियां खानी ही चाहिए, वो इसीलिए बने हुए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना हो गई, रोजगार के लिए सारे युवा यहाँ खड़े हैं, कितने परसेंट रोजगार है? क्या आखिर आदमी बीएड क्यों कर रहा है? फिर बीएड कोर्स ही खत्म कर दे, टेट पास करा रहा है, सीटेट पास करा रहा है, टेट की टेट पे लगातार आ रहे हैं, सीटेट का भी लगातार फॉर्म आ रहा है, लेकिन वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आ रहा है। 600 रुपया 900 रुपया आपका सीटेट का फीस है, उसके बाद यूपी टेट का फीस भर रहा है, यूपी टेट तक का पर्चा लीक हो जा रहा है। बच्चे 1,000 रुपये 1,500 रुपये खर्चे करके जा रहे हैं सब पेपर देने के लिए, और जब वहाँ पहुँच रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं, उनको उम्मीद जग रही है कि मुझे अब रोजगार मिल जाएगा, अब घर जब तक पहुंच रहा तब तक पता चल रहा है कि मेरा तो पेपर ही आउट पेपर लीक। देखिए एक इसी 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 सवाल पे ये जो महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देखिए ये बात समझी जा सकती है कि देश में आबादी बहुत है, स्किल्ड नौजवान कितने हैं ये बहस का विषय हो सकता है कि आप जितने जितने लोगों को सरकार नौकरी दे सकती है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी भर्तियां वो निकाल कर भर्ती कर सकती है, सबको नहीं दे सकती है। जो रेशियो आप देखेंगे जितने लोग तैयारी करते हैं जितने सेलेक्ट होते हैं बहुत बड़ा रेशियो है ना। लेकिन पेपर लीक जो है वो एक मुद्दा तो है विधानसभा के चुनाव में, तो मैं जिन प्रदेशों में गया चुनाव कवर करने वहाँ पर वो मुद्दा दिखा है, और वो राजस्थान में जब कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार थी वहाँ पर भी मुद्दा था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो यहाँ पर भी ये मुद्दा सुनाई देता है, और ये पार्टी निरपेक्ष होकर के ये बात कहते हैं। मैं आपको ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक हुए, और पेपर लीक हुए तो जिम्मेदारी से अगर ये लीक हुए तो उसकी जिम्मेदारी लेना ईमानदारी है। लेकिन आप पेपर लीक हुए, पेपर लीक होते ही सरकार ने पेपर करने की तिथि घोषित की जब टेट की परीक्षा हुई थी। जो लोग इस पेपर लीक की घटना में सम्मिलित हुए थे, जिन लोगों के गैंग ने ये काम किया था, आपने देखा होगा कानून की जो समुचित धाराएं हैं उसमें कठिन से कठिन कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, लोगों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और उनकी मकानें तोड़ी गईं, उनको उनके गैंग को समाप्त करने के लिए सरकार ने सभी प्रयास किए, सिपाहियों की भर्ती हुई थी, पेपर लीक हुआ था, सरकार ने तुरंत उस पेपर को निरस्त किया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, 2013 में उत्तर प्रदेश में 76 पद पीसीएस के विज्ञापित हुए थे, 76 में से 56 केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के बंधु बांधव, उनकी बिरादरी के लोग, और एटा इटावा मैनपुरी जिले के लोग, बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, एटा इटावा और मैनपुरी जिले के तीन जिलों के बहुसंख्यक लोग हुए थे, जिसको सिपाही बनने की योग्यता नहीं थी वो डिप्टी कलेक्टर बना, जिसको लेखपाल बनने की योग्यता नहीं थी वो एसडीएम बना, जिसको पेशकार बनने की योग्यता नहीं थी वो इस देश में जज बना। यही मैं अभी पीसीएस नहीं कर रहा हूँ, दरोगा भर्ती के आंसर सीट को मिटा करके, वाइटनर से मिटा करके, आपने बात कर दी अपनी, कुछ कहना चाह रहे हैं सिपाही, सिपाही एक सेकंड, सिपाही लेखपाल सेक्रेटरी बहुदेशी कर्मी जो भी परीक्षा हुई अखिलेश ने गैंग बनाकर, इन्होंने बहुत निराधार आरोप लगाया, योगी जी की सरकार 17 से बनी और अभी जल्दी पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट आया, 33 यादव लोग, इन्होंने नाम नहीं लिया, बड़े सम्मानित है हमारे छात्र संघ के बड़े नेता रहे हैं, ये हैं भी नेता हम लोगों के बड़े भाई हैं, लेकिन इनकी अपरिपक्व जानकारी इनको है कि भारतीय जनता पार्टी जो आईटी सेल ने जो जारी किया लिस्ट कि यादव सरकार माने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो 56 यादव एसडीएम हो गए, ये समझिए नहीं मैं कह रहा हूँ, आपने कह दिया
इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरे सरकार उनकी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने बनाई। 33 यादव कैसे SDM हो गए, कैसे उप जिलाधिकारी हो गए, इस सरकार में क्या सब यादव हो गए, क्या मुख्यमंत्री यादव इस समय, ये झूठ बोलने की सेवा। और लिस्ट निकाल लीजिए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, 33 यादव इस सरकार में उप जिलाधिकारी हो गए, वो कैसे हो गए। और दूसरी बात, और थोड़ा सा लाइट इतना इधर आइए, अरे अरे नहीं यार, अरे पहले ऐसे, अरे यार अरे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। आइए और एक बात इन्होंने और कहा कि जनगणना क्यों होना चाहिए, इस देश में भेड़ भालू, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में भेड़ भालू चीता हाथी सभी जानवरों की जनगणना है, लेकिन आज तक इंसान और जातियों की जनगणना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के सीटों को आप निकाल के देखेंगे, गोरखपुर से लगाए कुशीनगर देवरिया महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सारे जगह केवल, आपने कहा ना कि जातिवाद, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म कौन करेगा, क्यों खत्म करेगा, ये खत्म नहीं करने जाना चाहते। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी का ये गठबंधन जो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या हो, एक लड़का एक बेटा है जो 10 की 10 रोटी खा जाता है, और एक बेटा है जो एक रोटी। सवाल पूछूं आपसे, है ना, जैसे अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिसका मतलब जाति जनगणना है। सर सर एक मिनट, अच्छा आप अपनी बात कह लीजिए, फिर आप कह लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मात्र कि भैया जंगल में शेर से कितनी वैमनस्यता हो, कितना भी आपसी संबंध खराब हो, तो उसके लिए आप गधे को शेर, गधे को जंगल का राजा नहीं बना सकते। सीधी बात ये, पूरी बात इसको समझा कर जाए, समझाने का मतलब ये आप खुद समझ रहे हैं अच्छी तरह से, कहने का जरूरत है नहीं, कोई हो शेर, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी शेर है, जो करने वाला हो, ठीक है, अगर वैमनस्यता है तो बात हो सकती है, व्यभिचार आपस का खत्म है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अच्छा मैं एक बार जाती हूँ, समझ गया, गधे को जंगल का राजा नहीं बना सकता। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं वो बात कह रहा हूँ सर, एक बार जाति सर्वे वाले पे एक बार बात कर लूँ, फिर उसमें मैं ये था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, और उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में विचार किया जाएगा, उस पर जब विचार हुआ और प्रधानमंत्री ने उसमें ये उसको इस तरह से पेश किया कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यानी इनका पैसा लेकर के, रिसोर्सेज लेकर के किसी और तबके में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसके बाद से राहुल गांधी उस क्रांतिकारी बदलाव की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक्सरे कराना चाहता हूँ, वो सिर्फ वहाँ तक की बात कहते हैं कि मैं सर्वेक्षण तो कराना चाहता हूँ बट उसको यूटिलाइज कैसे करूँगा, उसका उपयोग क्या करूँगा, ये नहीं बता रहे हैं जी। आप इस बात को, जो बात राहुल गांधी ने उस विषय में कहा, और जो सामाजिक न्याय और आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक चीज़ों की बात है, आज की परिदृश्य में आप भारतीय जनता पार्टी की केवल आप टिकट वितरण को आप देख लेंगे। आप इसका जवाब दीजिए ना, टिकट वितरण पे आऊंगा, आप पहले ये जवाब दीजिए, जो आज आप चमलौटी में गए हैं क्या, ए मैं आप वहाँ गए हैं क्या, जहाँ चमार जाति के लोग रहते हैं, आपने कभी वाल्मीकि समाज के उस अंदर बस्तियों का आप जाइए, वहाँ देखिए कई बार जो व्यवस्था बनी है, जो व्यवस्था बनी है, जो आर्थिक सर्वे किनका होना चाहिए, आर्थिक सर्वे उन्हीं लोगों का होना चाहिए, आज भी उनका जीवन स्तर नहीं सुधर पाया, आज भी पूंजीपति जरूरत से ज्यादा तो करेंगे, मतलब उस डेटा को जमा करके करेंगे क्या, ये बताइए करेंगे क्या आज तक, एक मिनट, जो व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई, मैंने अभी कहा ना कि रोटी की बात, कुछ बहुत ज्यादा उसी वर्ग में कुछ बहुत खा के फूल गए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं, फूल खा के फूल गए और कुछ नहीं पा पाए, हम देखेंगे ना, सवाल क्या है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं, सवाल उसी पे आ रहा हूँ, सामाजिक न्याय का मतलब वही है ना कि सीढ़ी के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुँचना चाहिए, मोदी जी का एक काम मैं आपको किसी से लेकर देंगे क्या, मोदी जी का एक काम बताता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सुन नहीं रहे सवाल, मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी से लेके किसी को देंगे क्या, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो शब्द है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इस देश की बहुतायत संपत्ति, बहुतायत धन वो इकट्ठा है, और बहुत सारे बहुतायत लोगों के पास एक वक्त के खाने का खाना नहीं है, इस बात को समझिए, बहुत अच्छी बात, इससे जो मिडिल क्लास है उसके मन में एक भय पैदा होता है कि हमने अपने मेहनत से कमाया और हमारा तो नहीं ले लेंगे, ये बहुत अच्छे मंच की बात लगती है कि हम जातिवाद खत्म कर देंगे, हम बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन जब विश्वविद्यालय के शिक्षा से लगाए किसी जगह जब हम जाते हैं, सर सुनिएगा कुलदीप भैया,
सुनिएगा, जब बहुत जगह हम जाते हैं तो जब नाम देख के सरनेम देख के हमको नंबर दिया जाता है, सरनेम देख के पीछे, ये मंचों की बात है कि जातिवाद खत्म, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। रेस फिर से शुरू से शुरू कीजिए ना, आपने रेस लेट से शुरू किया, पहले तो कुछ लोगों को आपने पीछे रखा, फिर आपने रेस लगाया। आप बात सामाजिक न्याय की करते हैं वोट के लिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से नीति है डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण को समाप्त करें, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बात कही है आर्थिक और सामाजिक और उसके साथ एक राजनीतिक बात समझिएगा, राजनीतिक आप सबसे ज्यादा एमपी देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रधान देखेंगे। अब मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार में 26 ओबीसी मंत्री हैं, प्रतिनिधित्व की बात की अगर बात, मतलब इधर से एक दलील आती है। अच्छा आपने बात कहा, क्या ओबीसी में जितने सचिव होने चाहिए वो है क्या? डॉक्टर वाली जो परीक्षा होनी थी, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, उसके आरक्षण को किसने रोका? एमके स्टालिन से बात, वो बार बार ऐसे देखिए, एनेक्डोटल एविडेंस है, देश को पहला दलित 70,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, समान वर्ग का बच्चा ऐसा है, ये गलत बात। देखिए देखिए एक मिनट, देखिए जाति समाजवादी पार्टी की खेती है, 70 साल तक राहुल गांधी और उनके परिजनों की सरकार रही है। देश का हर नागरिक जानता है कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी मिटाओ, ये नारा इंदिरा गांधी का था, अनेक वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रही, गरीबी कहीं नहीं गई। उनके पिता राजीव, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोग, उनके मंत्रिपरिषद के लोगों ने जो आरोप लगाया, आज तक भी वो राजीव गांधी के ऊपर से धुले नहीं। राहुल गांधी को राजनीति की कितनी समझ है ये पूरा देश जानता है। वो जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताएं ना कि वो आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद वो क्या करेंगे? बीजेपी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं कर रही है भाई दबे, और बिहार में ये सवाल उठा था, आपको याद हो, सम्राट चौधरी जो वहाँ के अभी उप मुख्यमंत्री हो गए उनसे भी पूछा गया, और वो भी इस उप मुख्यमंत्री ही कहा मैंने जी, मैंने उप जोड़ा था, तो मैं कह रहा हूँ वो भी इसको पूरी तरह से वो नहीं कर पाए, मतलब इसको भारतीय जनता पार्टी भी खुल करके इसकी आलोचना नहीं कर रही है, क्योंकि एक बड़ा ओबीसी चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जो सवर्ण प्रदेश अध्यक्षों का जमाना था भारतीय जनता पार्टी में, वो जमाना लद गया है, अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी नहीं रह गई, सर्वदलों की भारतीय जनता पार्टी सर्वदल की पार्टी, इसीलिए वो भी जाति जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं खुल के, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब यार इनसे बात नहीं, 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 अरे आप मुझे सुनिए, आपसे मुझे इसलिए बात करनी है, सुनिए ना, थोड़ा लाइट करेंगे माहौल। इतनी गर्मी में आप मसाला खा रहे थे, पसीने से तर बतर और सहमति आपकी जो एक मौखिक और मौन सहमति चल रही थी, देख के मजा आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा एक बार आपसे बात करनी चाहिए। क्या करते हैं आप? बात अभी मैं वर्क करता हूँ नेस्ले से, नेस्ले में काम करते हैं। अच्छा भैया जो बोल रहे थे उस सत्य बोल रहे थे। अच्छा ये वाले भैया नहीं, ये भी सत्य बोल रहे थे, लेकिन ये बात का नाम ले लेना। अच्छा नाम लेकर बताएं, नाराज नहीं करेंगे उनको? नाराज नहीं करेंगे हम भैया, नाराज की बात नहीं कर रहे, आप नाम लेकर बताइए। भैया जो बोल रहे नाम लेकर बोल रहे हैं सबकी, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम सुबह आपकी लिस्ट देंगे, आप अभी लिस्ट दे दीजिए, आप अभी लिस्ट दे दीजिए ना, ये झूठ बोलना, यहाँ डिबेट की बात हो रही है। ठीक है एक बार फिर से आम लोगों से जी, आई 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 बात करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, आई आप आइए, नहीं करेंगे। अच्छा और आम लोग कौन है, आम लोग कौन है जो किसी पार्टी से जुड़े ना हो? क्या नाम है? दिलीप आर्य नाम है। क्या करते हैं सर? अभी तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर काम करते हैं हम लोग। किस चीज में? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें क्या होता है? और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है हमारा। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करते हो यहाँ से? जो भी आप यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह ऐड देखते हैं, वो ऐड वगैरह लॉन्च करते हैं हम लोग। अच्छा साथ में हम लोग ऐप वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। पढ़ाई का? हमारा बीटेक है। बीटेक करके? अच्छा बीटेक करके डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा अलग नहीं है सर? जैसे कि अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है। कहाँ से बीटेक की? फरीदाबाद से, हम हरियाणा के रहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई सारी हरियाणा से हुई है हमारी। रहने वाले यहाँ के रहते हैं, वहाँ रहे वहाँ सारी वहाँ से हमने की थी। कौन सा उसमें स्ट्रीम में बीटेक किया है? मेरा ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में। और अब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वैसे कुछ दिखी नहीं हमको, तो ये हुआ कि भाई घर का मैं अकेले कमाने वाला था, हम फॉर्म वॉर्म भी भरे थे, कई फॉर्म वगैरह हम वेट किए यहाँ पे आके कि वैकेंसियाँ आएंगी, भर्ती आएंगी तो हम लोग भरेंगे, और कई सारे हम लोग सर्वे निकालते हैं, इतनी तो वैकेंसियाँ खाली चल रही हैं गवर्नमेंट की, आज निकल फॉर्म आएगा, परसों फॉर्म आएगा, तैयारी करते उब गए, तो हमें क्या है गवर्नमेंट लोगों से भरोसा उठ गया, तो अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए काम करना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, और अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, अच्छा काम किया, क्योंकि डिपेंडेंसी हम लोगों ने गवर्नमेंट से खत्म कर ली, क्योंकि जिस हिसाब से करप्शन, सरकार की आलोचना जरूरी है समस्त सरकारों की, जो रोजगार देने की उन पे जिम्मेदारी है। हाँ।
पर अगर वे सबको रोजगार नहीं दे सकते तो आत्मनिर्भर होने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और खैर ये भी था कि जैसे जैसे आप इलेक्शन आप आए चुनाव में जब शुरू शुरू में आया, हमने भी बीजेपी को वोट किया था, बहुत उम्मीदें थी 14 में। अच्छा, बहुत उम्मीदें थी हमारी कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, आप रोजगार पे बात कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। मतलब उस टाइम ये हमको 370 नहीं समझ में आता था, राम मंदिर नहीं समझ में आता था, हमको ये ज़्यादा हाईलाइट लगा कि महंगाई है उसको आप कम करने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे आंकड़े दे रहे हैं कि यार पेट्रोल इतना सस्ता हो सकता था, सिलेंडर इतना सस्ता हो सकता था, इतनी वैकेंसियाँ हैं, हमारा देश जैसे एक्वायरमेंट हुआ है चाइना से लेकर, जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए चाइना के सैनिक जो अंदर आ गए थे। हाँ, जी क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं बात करते हैं, आपका देश अगर डेवलप करा अच्छा लगता है, आपको खुद से प्राउड फील होता है, लेकिन आप ऐसे ऐसे आंकड़े देखते हैं उसको फिर कई मीडिया देख रहे हैं, आप छुपाए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा हो आपका चैनल का या बाकी यूट्यूबर्स का कि आंकड़े निकल के आते जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो आप शुरू शुरू में जो मुद्दे लेके आए थे, अभी 370 समझ में आता है, मतलब राम मंदिर समझ में आता है, जो कश्मीर में कुछ बदलाव है वो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि कुछ चीजें पसंद हैं केंद्र सरकार की पर कुछ आलोचनाएं भी हैं। मैं वही कह रहा हूं, जो आप स्टार्टिंग में लेके आए थे कि हमारी गवर्नमेंट ना हो इस पे काम करेंगे, उसको आप सीधा दरकिनार कर दे रहे हैं। जीतने के बाद आपके मुद्दे अलग हो जा रहे हैं, जीतने के बाद आपके मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहे हैं कि आप मुसलमानों को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कि हम अभी कहा था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो मुसलमानों में बांट देंगे, ये कर देंगे, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री के मुँह से बयान अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से आप कई लोग देखते हैं, मैं किसी पार्टी समर्थक नहीं हूँ, तो राहुल गांधी को बहुत उनकी छवि को डिजिटली प्रमोट करके बहुत डाउन किया गया, हालांकि वो क्वालिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो बहुत आगे उन लोगों से, ठीक है, लेकिन उनकी छवि किसे डाउन किया गया। वैसे आपकी से कई चूक होती है, आप भी घूमते फिरते कहते हैं कि हम देश का सारे राज्यों को नंबर वन राज्य बना देंगे, तो ये भी तो एक हास्यवादक बात हुई, आप कहते रहते हैं फिर आप राज्य नंबर एक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि आप टैक्स स्लेब में लगातार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, व्यापारी वर्ग लोग हैं धीरे धीरे अपना बिजनेस बंद करते जा रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं आ पा। टैक्स स्लैब में इंक्रीमेंट कहाँ, टैक्स स्लैब तो स्टेबल है लगातार, मतलब उसमें ये था कि टैक्स स्लैब चेंज होगी और क्या उसमें राहत दी जाएगी, राहत नहीं दी गई, मैं ये मान रहा हूँ, पर बढ़ा नहीं है वही चीज़, तो वहाँ राहत नहीं जा रही है। उसके बाद जो कर्जे माफ़ हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं बड़े बड़े जितने डेप्ट आप माफ़ कर दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आप टैक्स से बड़ा बड़ा इंक्लूड कर रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बेसिक सा आर्थिक वो है। मैं यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि किसानों की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, हमारे हिसाब से तो आप जिस देश के अंदर में 70-80% ऑक्यूपेशन खेती है, आप उसको प्रमोट ना करके उसका बजट आप घटाए जा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर में जब हरित क्रांति हुई थी उस टाइम के जब खेतियों को बढ़ावा दिया गया था, तो वो टाइम ऐसा था कि डॉलर रुपया बराबर हो गया था, आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि किसानों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। आपका पहला जब आप 2014 में आए थे तो किसान आपका बहुत बड़ा मुद्दा था, आप कुछ बताते हैं कि एक डबल करेंगे, कोई फॉर्मूला बताते हैं, वो फॉर्मूला किसानों की आय दोगुनी कर, मैं किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा खेती भी करते हैं, हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं, तो हम लोग वेट करते रहे कि यार कुछ अच्छा हुआ किसानों के लिए, लेकिन 2014 में बजट घटा खेती का, 19 में बजट घटा खेती का, जब आप बजट घटा रहे हैं तो आप राहत कहाँ से पहुँचाएंगे, ठीक है। आप MSP की बात कर रहे हैं, किसान जा रहे हैं, अब पता नहीं खालिस्तानी किसान जा रहे हैं, मुद्दे तो उनके गलत नहीं थे, गए थे जो टॉपिक लेके आपके पास में, मुद्दे तो गलत नहीं थे, क्योंकि जो कॉस्टिंग इतना दूर का अगर हम गेहूं काटेंगे मेहनत करेंगे तब जाके 10 रुपये मिलता है, ठीक है। नहीं तो उसको केंद्र सरकार ने एक्नॉलेज करते हुए फार्म लॉस को वापस तो ले लिया, लेकिन सर आप शुरू में बताते डबल करेंगे ना, आप अभी क्या है अपोज कर रहे हैं तो आप बस फार्म लॉस वापस ले रहे हैं, लेकिन आप उस पर इंक्रीमेंट, तीसरी बार आपकी सरकार देखिए बनती है कि नहीं बनती है देखा जाएगा, लेकिन उस पर कोई आप बात नहीं कर रहे हैं, किसानों पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो 70% आपके देश के अंदर ऑक्यूपेशन है किसानों को लेके, आप अगर कर देंगे आप देखिए आपकी GDP कितना, ठीक है। तो उधर इस समय एक बहसों के साथ यही होता है, राजनीतिक बहसें संक्रामक होती हैं, आप इसमें शुरू तो कर सकते हैं पर इसको ख़त्म करना, इसको अंजाम तक पहुंचाना आपके हाथ में नहीं होता, वो इस यहाँ से आपके साथ चाय पीते हुए सुड़कते हुए आपके घर तक ट्रैवल करती हैं। तो अभी जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पीछे एक समानांतर बहस चल रही है, पर हम जहाँ भी जाएंगे आपको राजनीतिक कवरेज और लोगों का राजनीतिक मिजाज, वो क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं इस चुनाव में ये, और वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं जिन जो जहन पर ज़्यादा हावी हैं, ये आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, कैमरा के पीछे हैं मोहन, मेरा नाम है कुलदीप।